पास 75,000 देने बाकी है। वो एक दुकान है कि मेरा सपना, क्या का असली नहीं है? मुझे रात को भूख लगी थी तो पेंटिंग बना ली, सही किया ना भाई? अवरल, तुम्हारी पेंटिंग ही हमें यहाँ से भगाएंगे। समझ गए, दरवाजे पे दीवार और दीवार पे दरवाजा बनाओ, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी खा लेंगे। समझे? अब काम पर लग जाओ मिस्टर, चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। अरे ऐसे मुझे देखोगे तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी पीठ मुझे देख रही है, जाते हैं, लेकिन अच्छी पेंटिंग करना, बिल्कुल उस दुकान के जैसी। बिल्कुल उस दुकान के जैसी। दुकान क्यों बनाई? तुमने ही तो कहा था ना जो अल्लाह मुझा, मैंने दीवार पे दरवाजा और दरवाजे पे दीवार बनाने को कहा था। रात को फिर से करा और बस भागने की सोचो, और बस भागने की सोचो। भैया दुकान खुल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ग्राफिटी ये मेरी जेल बिगाड़ रहा है। वो एक संस्कारी आर्टिस्ट है, यही उसके संस्कार हैं। अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है मुझे चलेगा। ये क्या किया, क्या किया गया? तुमने बीच पेंट किया, बीच। तुमने कहा भागने का सोचो, लोग बीच पे भागते हैं तो बीच बनाया। ये क्या, बीच भी बंद कर रखा है? मेरे भाई, गार्ड्स दरवाजे संभालते हैं, दीवाल नहीं संभालते, दुकान नहीं संभालते, बीच नहीं संभालते। तो सुनो, तुम दरवाजे पर दीवार बनाओगे और दीवार पर दरवाजा, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी होंगे। लेकिन बात में लॉजिक नहीं है जो, क्योंकि दीवारों में कभी ताला नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं, तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं आता। बैठ जाओ, पड़े रहना यहाँ पर लंबूचान। तुमने हद की भी हद पार कर दी है भाई, मैं अब पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर ये क्यों थक रहा है? कोई नहीं, यह नहीं तो मैं पेंटिंग करूंगा। तुम दरवाजा देख लेना, मैं दरवाजा देख लूंगा। इसके संस्कार थोड़े से अलग हैं। मुझे दुकान ज्यादा पसंद थी। वक्त है असली दरवाजे से भागने का भैया। गार्ड्स तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? मैं दरवाजे पे जो हूँ। पेंटिंग के पास क्यों खड़े हो? यहाँ तो बस एक ही दरवाजा है ना सर। दरवाजा कहाँ गया? मिल गया, चलो जल्दी। मुझे शक हुआ था, इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। क्या यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, देखना चाहोगे? टूर पे जाना चाहोगे? हाँ ले चलो। और इस तरह मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। मुझे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज लगती है इसे। चलो इस तरह। ये है मेरे हाथ का एक और कमाल। उस तरह उस तरफ गए होंगे। बड़ा दरवाजा,
और ये मेरे दूसरे हाथ का कमाल। हो रहा है पकड़ा, भागो जल्द रे। अब क्या करेंगे बताओ? इस गुफा में चलो। कमाल, यहाँ क्या मजाक चल रहा है? एक नंबर के घनचक्कर करता हूँ। तुम लोग आ रहे हो? ट्रेन की आवाज तुमने निकाली क्या? अगर हम सच कहेंगे फिर भी यकीन नहीं करोगे। बना क्या? हाँ, बन गया। ये हुआ। इस बार कमाल क्यों नहीं हुआ? फिर कोशिश करता हूँ। ये कैसे संस्कार हैं? ये इनका नया प्लान है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं। जेलर साहब, जादूगर जोजो मुझे बता रहे थे कि गांव के लोगों की जेल में कितने अच्छे संस्कार होते हैं। जेल में ना सलाखे हैं, ना कोई चेन से बंधा होता है, सब आजाद होते हैं। अपने संस्कारी कैदियों पर भरोसा करते हैं और कोई कैदी इनका भरोसा नहीं तोड़ता। सक्सेस रेट 98.72%। अगर हम हमारे कुछ कैदी इनके जेल में भर्ती कर दे तो सोचिए उनमें कितने नए संस्कार आएंगे। मेरा प्रमोशन होगा क्या? हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये वही ना बात, ये हमें खुला छोड़ देंगे और हम उसका फायदा उठाएंगे। मैंने सुना है यहाँ पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए नए नौकर लाया हूँ मैं। मुझे लगा मेरे प्लैनेट वापस जा रहे हैं। लंबा रास्ता है तो शायद खाना खाने रुके हैं। तो ये नए नौकर अच्छे तो है ना? 11 में नौकर नहीं हो, एक डाल्टन हो कशक। बातें कम और काम ज्यादा, समझ में आया या नहीं तुम्हें? भैया, काम करते करते कट लो। क्या कोई हम अंधों को रास्ता दिखाएगा कशक? शायद रास्ता इतना लंबा है कि आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी मुझे। चलो। ये कपड़ा तो बहुत ही कड़क है, ये ऐसे नहीं फटने वाला। तो इसको नरम कैसे करे? हाँ, इससे चबाना होगा। टेस्ट तो अच्छा है जो, थोड़ा कपड़ा पार्सल कर ले, आगे काम आएगा। केचप के साथ। ये अब जाके खुला है, इसके अंदर छुप के चला। तुम सब मेरे बिना क्यों जा रहे हो? ये
इन लोमड़ियों की चाल कुछ अलग नहीं लग रही। पहले सब नाश्ता करेंगे फिर हम निकलेंगे, ठीक है? ये लो, इन्हें अब पालतू जानवर बना लो। लेकिन अब गांव में सिर्फ एक ही बचा है और वो बहुत खतरनाक हो गया है। हम वो भैंस ले आते हैं, आप निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाइए। ये रुको, देखो और कुछ सीखो। घनचक्रो जल्दी करो वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। आपको लगता है ये जिंदा वापस आएंगे? ये पूरा गांव आज रात तक रिनोवेट हो जाना चाहिए, समझे तुम? बस बहुत हुआ, हम हमारे जल वापस जा रहे हैं। मुझे पत्थर भी तोड़ दे हैं। लेकिन उससे पहले आकर रिनोवेशन कर लेते हैं ना। यही रहोगे? अभी अभी मुझे चेलर साहब ने कहा है कि तुम्हारा सेल किसी और को दे दिया गया है। अच्छी बात है। यार इतना सारा काम मैंने अपनी लाइफ की जिंदगी में कभी नहीं किया। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर निकलो। तुम चारों ने मिलकर मेरा रूम एकदम साफ कर दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे गंदगी में रहना पसंद है, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगी। निकल जाओ। दरवाजा खोलो इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल दे। वाह, हमारा पुराना वाला सेल, कोई शक नहीं। वही बॉल और वही चेन। मेरा एक सवाल है, हम वहाँ से जब भाग ही गए तो यहाँ क्यों आ गए? कोई और सवाल है क्या? चलो सो जाओ चुपचाप।